तो बच्चों कल इस लेसन कल की तास क्या में इस लेसन की हमने क्या देखी थी, जो आशय है इस लेसन का वो देखा था। आज हम इस लेसन के क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स जो है देखेंगे। लेसन का हमारा नाम क्या है, मक्खी से सावधान, ये हमारे लेसन का नाम है। तो आपने क्या किया है, इसके सवाल जवाब अभी हम क्या करेंगे देखेंगे। आपने ये शब्दार्थ लिखे हैं, इसमें से जो हार्ड वर्ड्स मैंने दिए थे वो भी आपने लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके जो सवाल जवाब है उनकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हमारा जो सवाल है वो है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, तो आपको क्या करना है, उनके जो यहाँ पर सवाल दिए गए उनके उत्तर पूरे वाक्य में उसे लिखना है, ठीक है। तो पहला सवाल मैं पढ़ती हूँ, मक्खी पहलवान जी के शरीर पर कहाँ बैठती थी या बैठी थी। ओके, तो इसका उत्तर है, मक्खी पहलवान जी के शरीर पर नाक पर बैठी थी, यह आएगा इसका उत्तर। क्या है उत्तर, ठीक से ज़रा देखिए, सवाल और जवाब ये दोनों भी अच्छे से देखिए बच्चों। मक्खी पहलवान जी के शरीर पर कहाँ बैठती थी या बैठी थी, ऐसे यहाँ पर चाहिए था लेकिन यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, सो यहाँ पर बैठती थी ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन में आया है, लेकिन उसका सही उत्तर, सही वर्ड है बैठी थी। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा अगला सवाल है वो देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल मैं पढ़ती हूँ बच्चों, पहलवान जी ने मक्खी को कैसे भगाया। देखिए अच्छे से और ध्यान से सुनिए, पहलवान जी ने मक्खी को कैसे भगाया। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, पहलवान जी ने मक्खी को तौलिए से मार मार कर भगाया। क्या है इसका उत्तर, पहलवान जी ने मक्खी को तौलिए से मार मार कर भगाया, ये है इसका सही उत्तर। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो पहले दो क्वेश्चन हुए फिर से एक बार देखेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है हमारा, मक्की पहलवान जी के शरीर पर कहाँ बैठी थी। यहाँ पर बैठती दिया गया है लेकिन ऐसे नहीं है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसका सही शब्द है बैठी। ओके, तो उसके बाद में इसका आंसर हम देखेंगे, मक्की पहलवान जी के शरीर पर नाक पर बैठी थी। ओके, कहाँ बैठी थी वो, नाक पर। उसके बाद में है अगला सवाल जो है, पहलवान जी ने मक्खी को कैसे भगाया। जो पहलवान जी थे उनको, उन्होंने मक्खी को कैसे भगाया, तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्या, पहलवान जी ने मक्खी को तौलिए से मार मार कर भगाया। कैसे भगाया बच्चों, तौलिए से मार मार कर। उसके बाद में हम हमारा अगला जो सवाल है वो देखेंगे, वो है, मक्खियाँ कूड़े घर में किसके पास गई। मतलब जो मक्खियाँ थी वो कूड़े घर में किसके पास गई, तो इसका सही उत्तर है, मक्खियाँ कूड़े घर में रोगाणु के पास गई। मतलब जो कूड़े घर में जो रोगाणु थे, कूड़े घर में क्या होता है, मतलब जहाँ पर हम कचरा डालते हैं वहाँ बहुत सारे कीटक, बहुत सारे रोगाणु होते, तो ये मक्खियाँ जो थी उनके दोस्त कौन थे, रोगाणु थे, तो इसके कारण ये मक्खियाँ कूड़े घर में रोगाणु के पास चली गई उनसे मदद मांगने के लिए। ओके, उसके बाद में हम हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे, रोगाणु मक्खियों के किस अंग में चिपक गए। सवाल एक बार फिर से पढ़ती हूँ, रोगाणु मक्खियों के किस अंग में चिपक गए। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, रोगाणु मक्खियों के पैरों में चिपक गए। रोगाणु मक्खियों के
पैरों में चिपक गए। ओके, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन जो है, मक्खियों ने रोगाणु को किस में छोड़ दिया? मक्खियों ने रोगाणु को किस में छोड़ दिया? ओके, तो इसका सही उत्तर है, मक्खियों ने रोगाणु को पहलवान जी के भोजन में छोड़ दिया। मक्खियों ने रोगाणु को पहलवान जी के भोजन में छोड़ दिया, मतलब उनके खाने में वो रोगाणु को छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? वो मक्खियाँ आते वक्त कूड़े घर में रोगाणु को अपने पैरों से चिपक कर लाई और वो उनके खाने में, पहलवान जी के खाने में, खाने पर जाकर बैठने से उनके भोजन में रोगाणु चले गए। ओके, उसके बाद में आता है हमारा अगला सवाल जो है, पहलवान जी को डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ा? और उसका सही आंसर है, सही उत्तर है, क्योंकि उनको उल्टियाँ और दस्त शुरू हो गए, इसीलिए। क्या हो गया उनको? रोगाणु उनके पेट में चले गए, इसके कारण उनको उल्टियाँ और दस्त शुरू हो गए और इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो एक बार फिर से हम क्या करेंगे बच्चों, ये सवाल देखेंगे, ठीक है, सवाल और उनके जवाब। पहला सवाल है, मक्खी पहलवान जी के शरीर पर कहाँ बैठी थी? मक्खी पहलवान जी के शरीर पर नाक पर बैठी थी। उसके बाद पहलवान जी ने मक्खी को कैसे भगाया? पहलवान जी ने मक्खी को तौलिए से मार मार कर भगाया। तीसरा सवाल, मक्खियाँ कूड़े घर में किसके पास गई? मक्खियाँ कूड़े घर में रोगाणु के पास गई। रोगाणु मक्खियों के किस अंग में चिपक गए? रोगाणु मक्खियों के पैरों में चिपक गए। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मक्खियों ने रोगाणु को किस में छोड़ दिया? मक्खियों ने रोगाणु को पहलवान जी के भोजन में छोड़ दिया। ओके, इसके साथ अंतिम हमारा सवाल है, वो है, पहलवान जी को डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उनको उल्टियाँ और दस्त शुरू हो गए थी, इसीलिए। तो बच्चों, आपने ये सवाल हमारे सब देखे, आपको समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो टीचिंग सब का जो वीडियो था, मैंने पार्ट टू जो आपको बताया था, वो आपने देखा होगा तो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा अगला सवाल जवाब है, अगले जो सवाल जवाब है वो देखेंगे। अगला हमारा सवाल है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ओके, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो उसमें से पहला सवाल है, मक्खियाँ डॉट डॉट होती है, और यहाँ पर उसके सवाल जो एक गलत और एक सही सवाल दिया है, उसमें से आपको चुनना है। तो इस लेसन से आपको क्या समझ में आया, मक्खियाँ कैसी होती है? मक्खियाँ गंदी होती है। मक्खियाँ कैसी होती है बच्चों? मक्खियाँ गंदी होती है, वो साफ सुथरी नहीं होती। तो इसका सही उत्तर हमने यहाँ पर लिखा है। उसके साथ ही अगला सवाल मैं पढ़ती हूँ, मक्खियाँ रोगाणु को डॉट डॉट है। तो मक्खियाँ रोगाणु को क्या करती है, फैलाती है या मारती है, यहाँ पर दिया है। तो आपको इसमें से उचित क्या लगता है? तो मक्खियाँ रोगाणु को क्या करती है, फैलाती है। उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखेंगे हम, रोगाणु रोग को डॉट डॉट करते हैं। जो रोगाणु होते हैं वो क्या करते हैं, रोग को नष्ट नहीं करते, उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही उत्तर है उत्पन्न। तो इस प्रकार ये यहाँ पर लिख लीजिए।
उसके साथ ही हमारा अगला सवाल है, वो है मक्किया हमारी डॉट डॉट है। मक्किया हमारी क्या है? शत्रु। क्या है वो? हमारी शत्रु। मक्किया हमारी शत्रु है। इसके साथ ही हमारा अंतिम सवाल है, वो पढ़ेंगे हम। हमें मक्खियों से डॉट डॉट रखना चाहिए। हमें मक्खियों को हमसे दूर रखना चाहिए, या हमें मक्खियों को दूर रखना चाहिए। तो मक्खियों को हमें कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए, उनको हमें हमेशा दूर ही भगाना चाहिए, क्योंकि वो क्या करती है, हमें बीमार कर सकती है। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो अगला जो सवाल है वो देखेंगे। यहाँ पर बच्चों दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों को क्रमानुसार लगाइए। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर जो लेसन में जो सीक्वेंस बताया गया है उनको हमें क्या करना है, जो हमारा राइट सीक्वेंस है लेसन का, जो राइट सीक्वेंस है उसमें आपको क्या करना है, इसे लगाना है। तो पहले क्या हुआ बच्चों, देखिए, तो बच्चों तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है नीचे दिए गए वाक्यों को क्रमानुसार लगाइए। तो इसमें क्या करना है बच्चों, आपने जो लेसन का आशय समझा है ना, उसमें से जैसे हमारे जो क्रिया होती गई, जो काम होता गया, जो प्रोसेस होती गई, क्या हो गई, तो उसको हमें क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है। तो पहले क्या हुआ, दूसरे बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे जो सीक्वेंस है उसको ऐसे लगाना है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो हमारा सेंटेंस दिया गया है, मक्खियाँ कूड़े घर से रोगाणुओं को ले आई, पहलवान जी ने मक्खी को खदेड़ दिया, पहलवान जी रोगों के शिकार हो गए, मक्खी अपने परिवार वालों के पास गई, रोगाणु भोजन के साथ पहलवान जी के पेट में चले गए। तो इसमें से पहले क्या हुआ है बच्चों, बताइए ज़रा, पहले क्या किया, पहलवान जी ने मक्खी को खदेड़ दिया, ये क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ओके, तो इसका नंबर है फर्स्ट। हाँ, उसके बाद क्या हो गया, मक्खी अपने परिवार वालों के पास गई, इस पे इसके आगे हम दो नंबर लिखेंगे। ओके, उसके बाद क्या होता है, देखिए मक्खियाँ कूड़े घर से रोगाणु को ले आई, इस पर आएगा तीसरा नंबर। ओके, उसके बाद में क्या हुआ, रोगाणु भोजन के साथ पहलवान जी के पेट में चले गए, इसको हम क्या करेंगे, चौथा नंबर देंगे। और अंतिम जो है वो है पहलवान जी रोगों के शिकार हो गए, ये हमारा ये सवाल है। तो ठीक से फिर से ध्यान से देखिएगा, पहले क्या हुआ, पहलवान जी ने मक्खी को खदेड़ दिया, उसके बाद क्या हुआ, मक्खी अपने परिवार वालों के पास चली गई, उसके बाद आता है मक्खिया, मतलब जो क नंबर का है वो हो गया पहले, उसके बाद मक्खिया कूड़े घर से रोगाणु को ले आई, बाद में चौथे नंबर पर है रोगाणु भोजन के साथ पहलवान जी के पेट में चले गए, और जो ग नंबर का है वो है अंतिम, पहलवान जी रोगों के शिकार हो गए। ओके, ये समझ में आया? ओके, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो अंतिम जो सवाल है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अंतिम हमारा जो सवाल है बच्चों वो है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ओके, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, मतलब जो सही जवाब है उसको आपको क्या करना है, टिक मार्क का चिन्ह लगाना है। तो मैं इसमें से पहला जो हमारा सवाल है वो पढ़ती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, और ऐसे ही आप क्या करिए, सही आंसर अपने अपनी किताब में लिखिए। जो व्यक्ति अखाड़े में कुश्ती लड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन से पहलवान, बलवान, बुद्धिमान। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों, पता है आपको? सही उत्तर है पहलवान। तो ये आपने लिखा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो, रास्ते में मक्खियाँ कहाँ रुकी, रास्ते में मक्खियाँ कहाँ रुकी।
तो इसके ऑप्शंस है मैदान में, कूड़े घर में, गांव में। तो इसका सही उत्तर है कूड़े घर में, जहाँ पर रोगाणु थे। ओके, इसके साथ ही हम हमारा अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। मक्खियों के मित्र कौन थे? उसके ऑप्शंस है चिड़िया, चींटी और रोगाणु। जो हमारा अंतिम जो ऑप्शन है वही आपको लिखना है, क्योंकि मक्खियों के मित्र तो रोगाणु ही थे। उसके बाद अंतिम जो सवाल है वो देखेंगे। पहलवान जी को किस जगह दर्द उठा, मतलब वो रोगाणु भरा खाना खाने के बाद पहलवान जी के शरीर पर कहाँ दुखने लगा, दर्द उठा? तो ऑप्शंस है पेट में, टांग में, हाथ में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है पेट में। तो ऐसे ही बच्चों आपको क्या करना है, ये जो सवाल जवाब है, पहले तो आपकी ये हिंदी की जो किताब है उसमें आपको लिखने हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो सवाल जवाब है वो अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो फिर से एक बार ये सवाल जवाब ठीक से देखिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर टू। सभी क्वेश्चंस आप पढ़ने की कोशिश कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर थ्री, उसके आंसर्स। और हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, और इसके आंसर्स। ओके।